ओम शांति। आज 25 अप्रैल है। पूरे विश्व में वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व में इतनी फैली हुई है कि हर 2 मिनट में एक बच्चे की मृत्यु मलेरिया की वजह से होती है। 2017 में 4,35,000 लोगों की मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी और इसमें से 4,03,000 लोग केवल अफ्रीकन रीजन में थे, सब सहारन अफ्रीका। भारत में भी मलेरिया की संख्या काफ़ी थी, लेकिन भारत ने बहुत अच्छा काम किया मलेरिया को कंट्रोल करना। इस समय इस पृथ्वी पर 4 ऐसे देश है जहाँ से मलेरिया को पूरी तरह से निकाला गया, तो भारत में भी प्रिवेंशन एंड इलिमिनेशन, पहले हम मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाते हैं, अभी मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ठंडी लग के बुखार आता है और इसके जो लक्षण हैं, मादा एनोफिलिस मॉस्किटो माना मच्छर के काटने के 10-15 दिन के बाद आता है। ये एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलने वाली, एनोफिलिस मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और इसमें सिर दर्द और ठंडी लग के बुखार आना, ये इसका मुख्य लक्षण है। अभी इसको अगर रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि मच्छर से अपने आप को बचाना पड़ेगा। जिस इलाके में मच्छर है वहाँ पे अपने आप को ऐसे कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे स्प्रे है, कुछ ऐसे एंटी रिपेलेंट कॉइल आता है या क्रीम आता है उसको हम लगाए, और बाहर जब जाते हैं तो कपड़े अपने पूरे ढके रहे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम मच्छर से अपने आप को बचाएं। अगर हमको जाना ही पड़े ऐसे एंडेमिक एरिया तो वहाँ पे कुछ दवाई लेके जाए, मलेरिया को पूरी तरह से रोका जा सकता है और मलेरिया अगर हो जाता है तो इसको ठीक भी किया जा सकता है। मलेरिया का जो जीवाणु है प्लाज्मोडियम उसको बोलते हैं, इसमें 4 प्रकार के, तो उसमें फाल्सीपेरम ये जो है ये बहुत खतरनाक होता है, ब्रेन में जा सकता है और इससे ही ज़्यादा मृत्यु होते हैं, और इसको हम कम कर सकते हैं अगर इसका इलाज हम सही समय पर करें, सही दवाई अगर हम लें तो। भारत सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंडेमिक एरियाज में जहां मच्छर बहुत है और मलेरिया है वहां पे हम अलर्ट रहे, मच्छरों से अपने आप को बचाए या दवाइयाँ जैसे डॉक्टर बता रहे हैं वैसे हम डोज में ले तो हम मलेरिया से बच सकते हैं। तो अपने इलाके को, घर को स्वच्छ रखें, पानी को जमा होने नहीं दें। केवल मलेरिया नहीं, बाकी भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अलग अलग प्रकार के मच्छरों से फैलती है, तो अपने एरिया में पानी को जमा होने नहीं दें क्योंकि वहां पर ये मच्छर आते हैं और पनपते हैं और फिर वो काटते हैं। कुछ इलाकों में जहां पहाड़ और जंगल है वहां पे इसकी मात्रा ज़्यादा है मलेरिया की, बाकी भारत में कम है। लेकिन हम सब अगर ध्यान दें अपने एरिया में अपने आप को मच्छर से बचाए, नेट्स लगे रात में, अगर समझो आपके इलाके में मच्छर है जहां आप सोते हैं तो नेट्स लगा के सोए, या मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें, और आजकल बहुत सारे डिवाइसेस आए हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मच्छर को काटने से रोके। अगर मलेरिया हो जाता है, कई लोग एंडेमिक एरिया में रहते हैं उनकी प्रतिकार शक्ति से ही वो मलेरिया को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ दिन उनको बुखार आता है और उसमें से निकल आते हैं। अगर हम नियमित रूप से जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे मलेरिया की दवाई ले, जो आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आई हुई है, तो हम अपने आप को मलेरिया से पूर्ण तरह से मुक्त कर सकते हैं। तो आइए भारत सरकार को और विश्व को, भारत को पूरी तरह से मलेरिया मुक्त करें, गवर्नमेंट का सहयोग दे। अगर आपको ठंडी लग के बुखार आता है तो जाइए अपनी जांच कराइए, नज़दीकी पैथोलॉजी लैब में जाके डॉक्टर से मिले, डोज अच्छी तरह से ले और पूरे भारत को और विश्व को मलेरिया मुक्त करने में सहयोग दे। विश्व मलेरिया दिवस के लिए हम ये खबरदारी रखें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।